हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ विप्रो डेको टेबल लैंप की, जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, जैसा कि आप बॉक्स पे देख सकते हो। गाइस, ये एक मल्टीपर्पज़ बेस्ट लैंप है, जिसको आप एज ए टेबल लैंप, स्टडी लैंप, नाइट लैंप और डेकोरेटिव लैंप की तरह यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू लैंप बॉक्स काफ़ी बड़ा आया है। इसके अंदर देखते क्या निकलता है। अभी ये है हमारा लैंप, इसके साथ कुछ गत्ते के पीसीज आए हैं ताकि डिलीवरी में कुछ दिक्कत ना हो, डैमेज ना हो, बट आई थिंक ये कुछ काम नहीं आए हैं। बॉक्स थोड़ा मुड़ा हुआ लग रहा है मेरे को, पोक के अंदर सब कुछ ठीक मिलेगा। तो चलिए अभी हम बॉक्स को ओपन करते हैं। ये सबसे पहले इसमें मिली है कुछ फॉर्मेलिटीज़, कैसे चलाना है वगैरह, और साथ में ये USB केबल, जिसको आप अपने किसी भी फ़ोन के चार्जर के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हो, और साथ ही अपने लैपटॉप या पावर बैंक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो USB केबल का साइज़ काफ़ी लंबा है, अगर सॉकेट आपके पास में नहीं है तो भी आप थोड़ी दूर बैठकर भी इसे यूज़ कर सकते हो। ये मेरे को इनका लैग पॉइंट लगा सबसे, कि इन्होंने साथ में चार्जर नहीं दिया है। और अभी ये निकला हमारा लैम्प। गाइज, ये एक नॉन रिचार्जेबल लैम्प है, इसको आप सिर्फ लाइट में ही यूज़ कर सकते हो। और ये है हमारे लैम्प का फर्स्ट लुक। दिखने में मेरे को तो काफ़ी ऑसम लगा है, कितना अच्छा दिख रहा है ये। ये है इसका पोर्ट 11, जो जिसमें USB केबल लगेगी वन साइड से, और ये दो टच बटन है, वन फॉर वाइट लाइट एंड अनदर वन फॉर कलर्ड लाइट। तो गाइज, आपको अभी ये लाइट में अच्छी तरह नहीं दिखेगा, तो मैं सबसे पहले लाइट ऑफ कर देता हूँ। तो गाइज, अभी मैंने लाइट्स ऑफ कर दिया और मैं इसे प्लग इन कर रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये सारे कलर्स की लाइट शो करेगा, देन ऑफ हो जाएगा। अब आपको अपने अकॉर्डिंग लाइट सेट करनी है। ये देखिए, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इसमें ये दो टच बटन गिवन है, ये ऑन ऑफ वाले से हम वाइट लाइट ऑन कर सकते हैं, और सेकंड बटन से जो बेस में कलरफुल लाइट है उसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप दोनों बटन्स को एक साथ टच करोगे, जो बेस लाइट है वो ऑटोमेटिक कलर चेंज करेगी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कलर चेंज करता हुआ। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसके चेंज होने के साथ साथ वाइट लाइट भी ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। गाइस, इसमें 6 वोल्ट की LED है, जिसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, और हम लाइट को अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइट इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके। ये देखिए, ऑन ऑफ वाले बटन को अगर हम लॉन्ग टच करेंगे तो ये डिम हो जाएगी। आई थिंक आपको कैमरे में सही नहीं दिख रहा है। अगर हम इसको अगेन लॉन्ग टच करेंगे तो ये दोबारा ब्राइट हो जाएगी। आप इसको लगभग 120 डिग्री एंगल तक ऊपर नीचे कर सकते हो, और ये कभी भी लूज नहीं होगा, क्योंकि आप इसे स्क्रू ड्राइवर से भी टाइट कर सकते हो यहाँ साइड से। तो अभी ये देखिए गाइस, बहुत अच्छी ब्राइटनेस है इसकी, और मैंने ये
5-6 दिन यूज़ करके देखा है, इसकी लाइट बहुत ज़्यादा स्मूथ है और मेरी आँखों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी इसमें पढ़ने में। और अगर आपको 3-4 बुक एक साथ लेके पढ़ना है या न्यूज़पेपर है वो बड़ा होता वो लेके पढ़ना है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वह हमारी लास्ट बुक तक कॉपी तक भी सारा एरिया इसने कवर किया हुआ है और अच्छी लाइट है चारों तरफ। गाइस शायद आपको अभी क्लियर दिखेगा, अभी मैं दोबारा लाइट इंटेंसिटी कम और ज़्यादा कर रहा हूँ। ये देखिए कम हो गई है हमारी लाइट और ये दोबारा प्रेस करूँगा मैं बटन को तो ये दोबारा लाइट ब्राइट हो गई है। आई थिंक अब आपको क्लियर दिख गया होगा। और आप इसे अपने लैपटॉप या पावर बैंक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने बताया था, तो चलिए अभी मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये हो गया कनेक्ट और दोबारा लाइट ऑफ करके देखते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें कनेक्ट होने के बाद भी लाइट में कोई फर्क नहीं है और ये उतनी ही इंटेंसिटी से जस रही है लाइट। अभी मैं बुक्स क्लोज करके आपको इसका सबसे मेन पार्ट दिखाता हूँ, जो कि एज ए ये जो नाइट लैंप वर्क करता है वो दिखाता हूँ। अभी ये बन गया हमारा नाइट लैंप और ये देखिए पूरे कमरे में बहुत अच्छी रोशनी हुई है। अगर आपको सोते वक्त लाइट चसाने की आदत है तो आप इसे ऑन करके सो सकते हो आसानी से। तो दोस्तों अगर आपको भी एक अच्छा लैंप लेना है तो आप इसे बेझिझक बाय कर सकते हो, आपको इससे अच्छा लैंप शायद ही कहीं मिलेगा और इसकी प्राइस रेंज भी ज़्यादा नहीं है। अगर आपको ये बाय करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।